नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद न्यूज चैनल भारत छाछुड़ा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों में। रेलवे में नियोजित एक बोलेरो कल दोपहर को झारसुगा सुंदरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार से जाते समय ओएमपी के पास एक दीवार को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बोलेरो को उद्धार किया। इस एक्सीडेंट में कोई भी आहत नहीं हुआ। कल कुलावेरा मंडल के अध्यक्ष राजेश दास की अध्यक्षता और स्टेट सेक्रेटरी रंगनाथा त्रिपाठी के नेतृत्व में कुलावेरा ब्लॉक अंतर्गत कुलावेरा, छोड़ामाल, जिरियापाली, परमानपुर, खुलियन मार, पोखरा सिंह, समाज सिंगा, चलिंडामाल और रघुनाथपाली ग्राम पंचायत के 200 से भी अधिक बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हुए हैं। कल सरवाल स्थित मेघनावेरी कार्यालय के पास रोड साइड में किसी कारण से आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग आकर आग पर काबू पा लिए और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरामाल ओवरब्रिज के पास दो बाइक के आमने सामने टक्कर होने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति को जिला मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कल झारसा डिस्ट्रिक्ट बीजेडी ने सोनारी मुंडा स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैच्यू पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें 66वीं पुण्यतिथि मनाई। लच्छीपाली गांव में दामाद के हमले में ससुर की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। मृतक की पहचान सहदेव सुना और गंभीर महिला मोहिनी हरिचंदन के रूप में हुई है। बनरपाली अंतर्गत सैलरी सही समय पर नहीं मिलने के कारण ठेकेदार को बंदवाहाल में रोक के रखे सफाई कर्मचारी लोगों ने। लखनपुर बेलपहा लिराड़ी खनी से 4399 हेक्टेयर अंचल में कोयला उत्पादन को लेकर कांसर में एक आयोजन किया गया जनसुनानी। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बेलपहाड़ में मास्क चेकिंग को कड़ाकड़ी कर दिया गया है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन सभी से फाइन वसूला जा रहा है। राजपुर पंचायत अंचल में मनरेगा कार्य में विभिन्न कामों की समीक्षा करने पहुंचे झारसुगा कलेक्टर सुरेश कुमार शर्मा। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।